नमस्कार, मैं शुभ गाजी और आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज 24। खबर नोएडा से है, जहां थाना फेस 2 क्षेत्र के अंतर्गत थाना फेस 2 पुलिस व मोबाइल लुटेरे बदमाशों के साथ गंदा नाले के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ में दो बदमाश, एक सुमित पुत्र तुलाराम निवासी सदरपुर नोएडा गौतम बुद्ध नगर व 2 दानिश व दूसरा दानिश पुत्र तकी मोहम्मद निवासी हल्दौनी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 312 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस व 6 मोबाइल बरामद की गई है। आज 31/3/2022 थाना फेस 2 में एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी। इसमें दो बदमाशों घायल हुए हैं। इन लोगों का नाम है, एक सुमित है, दूसरा दानिश है। ये दानिश है थाना 142 से एक वांछित चल रहा था। आज शाम को थाना फेस 2 पुलिस के द्वारा चेकिंग चल रहा था। एक संदिग्ध गाड़ी आया, इसको रुक के चेक करने के लिए कोशिश किए थे पुलिस ने, लेकिन वो गाड़ी ने वहाँ से भागने के लिए कोशिश किए थे। इसको तुरंत पुलिस ने पीछा करके गाड़ी को पकड़ लिया है। इसमें पुलिस मुठभेड़ हुआ था, इसमें दो लोगों के लिए पैर में गोली लगी थी। ये दोनों को अभी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। ये दोनों मोबाइल लूटे रहे हैं। इन लोगों को कब्जे से एक स्प्लेंडर व्हीकल और 6 मोबाइल, एक 315 बोर का एक तमंचा, एक 32 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 कोका कारतूस भी बरामद की गई है। ऐसे ही तमाम खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज़ 24।